भट्टाचार्य। खुल के बोलना भाई। Thank you, madam, for giving me the opportunity to participate in this debate. But before participating in this debate, I am paying my homage to Sri Buddhadev Bhattacharya, ex-Chief Minister of West Bengal, passing away today. Ex-Chief Minister. Buddhadev Bhattacharya is known for his simplicity, his simple lifestyle. Is very affectionate to the literature, and during his period, in spite of all his party's reservation, he earnestly tried to industrialize in West Bengal. Respected madam, I am from the state of West Bengal. When I was a student, we used to hear one slogan. The Soviet Union's economy is the strongest one. 1.45 ruble is equivalent to $1. And what happened in the early 90s in the glasnost perestroika, after the disintegration, reality comes out. Everybody is talking about the kisi bhi kimat se ये प्राइस हाइक को रोकना है, टैक्स स्ट्रक्चर को बदलना है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बहुमत नहीं है, ये अल्पसंख्यक की सरकार है, किसी भी समय टूट सकते हैं। पश्चिम बंगाल की धरती पर खड़े होकर जो लोग बोलते थे पथ एक ही है, वो है क्रांति। हम लोग समानता रहेंगे, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। एक समय जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भाषा बोलते थे, वो समाजवादी आज कहां गए? आज सपा है, बहुत सारे दल है। मंडल कमीशन का रिपोर्ट आने का बाद वो सारे का सारे क्रांतिकारी एक नया इक्वेशन में चले गए, वो कास्ट इक्वेशन। आज इतना दिन से डिबेट चल रहे हैं, एक बार भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम किसने लिया? क्या राम मनोहर लोहिया जाति का आधार पर समाज को बांटने का काम करता था? नया शब्दावली आ गया, सोशल कस्मस, सोशल इंजीनियरिंग, उसी का नाम पर सब जाति का आधार बना लिया और उसके ऊपर राजनीतिक का चर्चा चल रहा है। हम लोग चाहते क्या है? वेदर इट इज अ कमांड इकोनॉमी और मार्केट बोरिंग पॉलिसी, दुनिया में ऐसा कोई अर्थव्यवस्था अभी तक तैयार नहीं है, ऐसा कोई भी सरकार नहीं है जिसके पास सारे प्रश्न का जवाब है। देखिए अर्थव्यवस्था बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, सारा पृथ्वी का सामने चैलेंज है ये, लेकिन उतना मात्रा में जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है। इट्स अ एकेडमिक चैलेंज टू द इकोनॉमिस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज टू द पॉलिटिशियंस, वी हैव टू एड्रेस इट, और ये सरकार वही काम कर रहे हैं। आप लोग चाहते क्या? क्या हम लोग अर्ली 80s का बात भूल गए? कांग्रेस का बेंच से जवाब आया था, करप्शन, व्हाट्स रॉन्ग, इट्स एन इंटरनेशनल फेनोमेनन। प्राइस हाइक, व्हाट्स रॉन्ग, इट्स एन इंटरनेशनल फेनोमेनन। हम लोग क्या हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में वापस जाना चाहते हैं? कांग्रेस के अपना पुराना दिन एकदम भूल चुके हैं? आप लोग अगर इसको पूरी नजर डालेंगे तो कौन से इकोनॉमी का बात कर रहे हैं वो? 1973 टू 75 द इन्फ्लेशन वाज मोर देन 20% एंड ग्रोथ वाज 1.2%। In 1979-80, the growth was -5%. Inflation का बात तो आप छोड़ दीजिए। आज आपका सामने जो लोग बात बोल रहे हैं वो क्या चाहते हैं? हम लोग कौन सी अर्थव्यवस्था का तरफ जा रहे हैं आज? फॉर एग्जाम्पल,
You cannot complain in the morning about too much of being taken away through taxes, and in the evening about not spending enough on various heads such as education, health and social welfare scheme. Sir, COVID काल के बाद एक विपरीत अर्थनैतिक स्थिति पर जब ये देश गुजर रहे थे, सारे पृथ्वी का सामने ये देश और चाइना दो देश है जो प्री कोविड सिचुएशन पे चले गए, अपना जीडीपी को उसी जगह तक पहुंचा दिया। दूसरी सब सर ये है जो लोग आज इस सदन में बैठकर बोल रहे हैं ये सरकार के पास बहुमत नहीं है, चुनाव का नतीजा ये बोल रहे हैं कि आपका अर्थव्यवस्था से जनता खुश नहीं है, आप लोग गरीब विरोधी सरकार है, किसान की विरोध आप लोग कर रहे हैं, एकदम से ही बोला बोल रहे हैं। बहन जी, किसका साथ बैठे हुए आप? आज जो वामपंथी लोग कांग्रेस का साथ इकट्ठा बैठ गए हैं, वो लोग सारे जिंदगी भर एक ही बात बोलकर आए हैं, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन हैपनिंग इन इंडिया, इट इज एंटायरली यूएस ड्रिवन। चाहे वो किसान की व्यवस्था हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे इस देश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, वी आर अंडर सीवियर थ्रेट। एवरीथिंग हैज बीन डिटरमिंड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आज एक जगह में आकर बैठ गए हैं। देखिए, ये कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, इसमें सबसे सीखना पड़ेगा। हम राज्य से कुछ बात ले, सभी राज्य के पास जाए, क्या हो रहे थे वहां और क्या न्याय होने वाला है, सबका ऊपर विषय पे चर्चा होना चाहिए। सर, ड्यूरिंग द की डेज ऑफ इंडियन सोशलिज्म इन अर्ली 1970, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वॉज होल्डिंग द चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन हर यूनियन बजट फॉर 1970-71, सी इंक्रीज द हाइएस्ट मार्जिनल रेट ऑफ बेसिक इनकम टैक्स एप्लीकेबल टू द इनकम अबव रुपीज 2 लाख फ्रॉम 70% to 80%, एंड विद द सरचार्ज ऑफ 10%, द हाइएस्ट मार्जिनल रेट बिकम 93.5%। हर सक्सेसर मिनिस्टर वॉज श्री वाई वी चौहान, फाइनेंस मिनिस्टर वाई वी चौहान इन द यूनियन बजट फॉर 71-72 लेफ्ट द बेसिक रेट्स अनचेंज्ड, but increase the surcharge for income above rupees 15,000 from 10% to 15%. With this increase, at the pinnacle of our socialism, the highest marginal rate of personal income tax became 97.95%. It did not work. Revenue suffered. Following the Wang Chu Committee report, Y.V. Chavan as a minister of Indira Gandhi's finance cabinet, he brought down the income tax rate along with surcharge. The highest level was 97 from 90.75% to 77%. This is the situation. Lekin sir, ye baat bhi humko hum logo ko samajhna chahiye. Ye kuch rajya bahut acha performance kar rahe hain. Hum jis state se aate hain, Pashchim Bengal, oftenly they demand jo wahan ka jo kisan hai uska rozgar 3 guna ho gaya. और जब आप लोग बोल रहे हैं सारी अर्थव्यवस्था चरमरा गया, इसी का भीतर एक देश, एक राज्य जिसका पूरा किसानों की रोजगार 3 गुना हो गया, हमको ये चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय, या आप एक टीम भेजिए देखने के लिए क्या हो रहा है बंगाल में, कौन सा चमत्कार कर दिया ये लोग। अध्यक्ष महोदय को तो पता ही है, एक बार उसको भेजिए सर, और आप और उस टीम का हेड करके आप इसको जरूर हमारे हमारा जो नेता बैठा हुआ है कांग्रेस का, मेरी तरफ देखिए, नहीं मेरी तरफ देखिए, आप ही की तरफ देखने बोल रहे हैं क्या? वेरी गुड। अरे भाई, 3 गुना कर दिया, अरे आपको प्रेस कर रहे हैं, आपको सपोर्ट पे बोल रहे हैं, आपको
वाई आर यू अपोजिंग, हम तो आपको बस जाना जाने के लिए बोल रहे हैं। अरे देखिए कांग्रेस का नेता भी हुआ गए, राहुल जी का इतना बड़ा रैली हुआ, रास्ते में कितना बाधा आए, लेकिन एकदम पूरा चुप। हमारा जो नेता है वो सदन में जितना गर्म है बंगाल में जब जाते हैं उतना ही नरम हो जाते हैं, उतना ही नरम। ना ना वो दूसरा कांग्रेस नाम सर जयराम जी को तो एकदम आपको भेजना ही चाहिए, लेकिन जयराम जी अगर जाएंगे तो पूरा सदन का जितना नेता है सब प्रोटेक्टेड रहेगा, कुछ नहीं होगा। जयराम जी को तो बहुत सारे माननीय सदस्य, ये अच्छी बात है कि आपके ऑब्जर्वेशन पर जयराम जी ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे हैं, दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। लेकिन सर मेरा एक्सपीरियंस तो यही है, जो भी जाते हैं उधर एक ही गाना गुनगुनाते हैं कि हमें तुमसे प्यार कितना ही हम नहीं जानते, मगर हम जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, यही चलते सर। मार हम लोग का है, पूरा सदनों में एससी एसटी का बातें चल रहे हैं, 165 शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी पीपल हैव बीन वेस्ट बंगाल हैव बीन किल्ड बाई तृणमूल कांग्रेस। यहाँ बैठकर बातें कर जो बजट भाषण में भाग ले रहे हैं, जो एससी एसटी का सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पश्चिम बंगाल पे? सर यू वांटेड टू से समथिंग? आई हैड रेस्ड माय 267 इन द मॉर्निंग सर, यू हैड नॉट अलाउड। उसके बाद हम लोग 176 उसमें डाले हैं सर, प्लीज उसको अलाउ कीजिए। विनेश फोगट पर सर। ओके थैंक यू यस आई थॉट यू वर टेकिंग एक्सेप्शन टू व्हाट ही सेड। सर सभी प्रदेशों से जो लोग आते हैं अपने प्रदेश का बात करके चले गए, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग इन वेस्ट बंगाल राइट नाउ, द फ्लाइट ऑफ कैपिटल इज ऑन। जो लोग वह इंडस्ट्रियल किसी भी समिट पर खड़ा होकर बोल रहे हैं, एकमात्र डेस्टिनेशन है हिंदुस्तान में उसका नाम है पश्चिम बंगाल, जो हमारा मुख्यमंत्री का साथ बगल में बैठकर ये बातें करते हैं। आप 10 साल से उसका बैलेंस शीट देख लीजिए, सारे का सारे वो पश्चिम बंगाल का बाहर अभी निवेश कर रहे हैं। स्थिति क्यों ऐसा हो गया इसका ऊपर समझना चाहिए। जितना भी लोग आज यहां आकर के एससी एसटी कम्युनिटी का बारे में बोल रहे हैं, सबको ये जानकारी होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में इस समय जो हालत है, लोअर जुडिशियरी इज अंडर थ्रेट, सेबे नहीं है, कानूनी स्थिति इतना बिगड़ा हुआ है कि कोई भी अर्थव्यवस्था कोई भी निवेश आज पश्चिम बंगाल में संभव नहीं है। नोबडी इज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट एनीथिंग इन वेस्ट बंगाल, दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन। सर बजट पर बहुत चर्चा हुआ, लेकिन नो इकोनॉमी कैन मूव इन आइसोलेशन। आज 142 करोड़ इस देश की जनसंख्या हो गया, यू हैव टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एंड इट इज माय आर्ट। ऑनरेबल मेंबर टू मेक अ स्वीपिंग स्टेटमेंट दैट नो वन इज इंटरेस्टेड, यू आर गोइंग टू फार। द एंटायर कंट्री इज गेटिंग इन्वेस्टमेंट एंड वेस्ट बंगाल इज पार्ट ऑफ इट। इन्वेस्टमेंट के बारे में जो बोले हैं सबके बारे में हम चाहते हैं, विनती करते हैं कि वो ऑथेंटिकेट किया जाए। एक्सटेम्पोर बोला जा रहा है ये ठीक नहीं है। थैंक यू सर। प्लीज कंक्लूड। पॉपुलेशन कंट्रोल ये तो आपकी बात दम से मैं
हमारी देश की प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के पास ये मेरा निवेदन है जे दे शुड ब्रिंग अ स्ट्रिंजेंट लॉ टू कंट्रोल दिस पॉपुलेशन। सारी प्रदेशों के पास तो फैमिली प्लानिंग ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, हम दो हमारा दो, और बहुत जगह ऐसा भी है हम दो हमारा दो लेकिन बाहर से रोहिंग्या को आने दो, ये कितना दिन चल सकते हैं? हम दो हमारा दो और रोहिंग्या को आने दो, पूरा पश्चिम बंगाल का डेमोग्राफी बदल गया। अवर इंटरनल सिक्योरिटी एंड थ्रेट, इसका ऊपर तो चर्चा होना चाहिए। कौन सा इतना बड़ा अर्थशास्त्री भारत में आकर सब कुछ बदल देगा अगर ये जनसंख्या का ऊपर हम लोगों को कुछ नहीं लगाएगा? इसका ऊपर तो कुछ करना चाहिए और उसमें सहमत होकर कहना चाहिए, पार्टी का स्थिति का ऊपर उठकर इसको ऊपर कहना चाहिए। ऐसा ऐसा दिन ज्यादा नहीं चल सकते हैं। सर अब पश्चिम बंगाल का स्थिति बहुत खराब है। आज जो लोग इधर इस डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो लोग इस अर्थव्यवस्था का बात कर रहे हैं, एक बार जाकर सब, हम तो इसीलिए बोला, हम सर फिर विनती करता हूँ, हम जयराम जी का बारे में कुछ गलत शब्द तो नहीं बोला, हम जयराम जी का बहुत आदर करता हूँ और श्रद्धा सहकर बोलता हूँ, जो सभी का साथ जयराम जी भी चले एकदम। समीक जी, आपके मन में ये भावना नहीं आनी चाहिए कि आप ही जयराम जी का आदर करते हैं। नंबर दो, सर हम लोगों ने देखा जयराम जी का नाम ही आदरणीय है। सर एक बात बोलकर हम, सर हम एक ही शब्द बोलकर हमारा खत्म, एक शब्द बोलकर सर हम ये कर रहे हैं। सर देखिए सर, वन मिनट सर, ओनली सर, प्लीज प्लीज सर, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा था, सेवन फेज इलेक्शन था, चार चरण का चुनाव हो गया, कांग्रेस का तरफ से एक भी बयान नहीं आया, एक भी बयान नहीं आया। अचानक फिर में जाकर एक मिनट सर, सर मैं प्लीज आई वांट टू कंट नाउ ओवर प्लीज, थैंक यू, एक मिनट सर, समीक भट्टाचार्य जी, थैंक यू, डोला सेन जी विल हैव द लास्ट वर्ड, थैंक यू, यस मैम, हाफ अ मिनट सर, फिर हम विनती करती हूँ, सौमिक भट्टाचार्य जी को विद ड्यू रेस्पेक्ट हम बोलना चाहते हैं सर थ्रू यू कि मानी बिल पर भाषण अगर हो तो ठीक है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, उसके ऊपर वो भाषण दे रहा है, ये ठीक नहीं है। बिल फॉर इंट्रोडक्शन, श्री पीयूष।